हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स वर्ल्ड। जैसा कि कल मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था अपना बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, आज भी मैं बेसिक्स ही क्लियर करने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ फार्मूले के ऊपर बात करूँगा। जैसा कि मेरे पास पहला फार्मूला है यूलर्स फार्मूला, ये होता है ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये तो हमारे पास दो फार्मूले हो गए। अब हम इन्हीं दो फार्मूले से इन्हीं दो फार्मूले से हम क्या करेंगे, कुछ और फार्मूले ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए, हमने इसको इक्वेशन ए इक्वेशन बी के रूप में माना और इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पर हमें क्या मिला, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो बचा टू कॉस थीटा, हमने 1/2 के नीचे भेज दिया, तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा हमारे पास मिला। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें मिलेगा ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और 2i साइन थीटा हमारे पास रह गया, तो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2i ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है ई की पावर एन थीटा। सिमिलरली हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम एन तक लेके जाएंगे, तो एन का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे एक्स जो थीटा है उसके साथ एन लगा देंगे हम, तो ई की पावर आई एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ई की पावर माइनस एन थीटा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। अब हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे सेम टू सेम जैसे हमने यूलर्स को यूज़ करके किया था। इसको एडिशन करके ई की पावर आई एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई एन थीटा इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा कॉस एन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर आई एन थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई एन थीटा। सेम टू सेम हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ई की पावर आई एन थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई एन थीटा। तो हमें सिमिलरली कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास साइन। तो साइन की हमने इस तरह से ये डिराइव करके रख लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। अब हमारे पास आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। टेन हाइपरबोलिक साइन अपॉन कॉस हम करके लिख लेंगे, इसको काटेंगे इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास जो टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सो गाइस, मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आप लिंक में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब एक रिलेशन बहुत पूछी जाती है, बहुत कॉमन है, कि प्रूफ करने को आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, कि साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स या फिर कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। बहुत ही ईजी है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूव होंगे ये दोनों। आइए, हम जानते हैं कि ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमने थीटा की जगह पे आई एक्स रख लिया, ठीक है। चलिए ई की पावर, अब हम आई एक्स रखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आई एक्स रख देंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह पे, और x इज इक्वल टू कॉस आई एक्स प्लस आई साइन आई एक्स, क्योंकि थीटा की जगह पे आई एक्स आया। सॉल्व, अब आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो हमने यहाँ पे -1 रखा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स प्लस आई साइन आई एक्स। ये इक्वेशन 1 हमने बोल दी। अगेन हम जानते हैं कि e की पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। फिर हम वही काम करेंगे कि थीटा की जगह पे माइनस आई, थीटा की जगह पे हम आई एक्स रखेंगे। सिमिलर, जब हम थीटा की जगह पे आई एक्स रखेंगे तो माइनस आई स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस आई एक्स माइनस साइन आई एक्स। अब ये तो होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स इक्वल टू कॉस आई एक्स माइनस आई साइन आई एक्स। इक्वेशन 2 हमने इसको दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे, जो हमारी ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ई की पावर माइनस आई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस आई एक्स प्लस आई साइन आई एक्स माइनस आई साइन आई एक्स। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो मिलेगा कॉस आई एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे पीछे, ये हमारा इसके बराबर होता है। ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक ये इसके बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे कॉस हाइपरबोलिक, तो हमारी पहली एक प्रूफ आ गया। नेक्स्ट प्रूफ ये है कि हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो हमने इक्वेशंस जो हमने ऐड की थी इक्वेशन 1 और 2, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे।
तो हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू कॉस आई एक्स माइनस आई साइन आई एक्स माइनस कॉस आई एक्स माइनस आई साइन आई एक्स। इस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा माइनस टू आई साइन आई एक्स। ठीक है, साइन आई एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम जानते हैं कि वन अपॉइंट टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो इक्वल टू होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि ये तो इक्वल टू इतना करा लिया, हमारे पास माइनस वन अपॉइंट आई अभी भी बचा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ये आ गया इतनी जगह, इस जगह पर हमने क्या किया आई से ऊपर मल्टीप्लाई आई से नीचे डिवाइड करा दिया। ठीक है, साइन आई एक्स इज इक्वल टू अब ये हो जाएगा आई स्क्वायर और अपॉन में आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर, अभी भी थोड़े से फॉर्मूले और रह गए हैं, बस एक लेक्चर लास्ट में फॉर्मूला का कराऊंगा, उसके बाद में कोई लेक्चर में फॉर्मूले का नहीं लूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लाइक कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, शेयर करते रहो। और बाकी मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगा आपको। और एक इम्पोर्टेंट बात बतानी रह गई कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विराट _ VARSH1999, आप इस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।